क्या आप भी कच्चा पाज खाते हैं? और अगर नहीं खाते हैं तो आज के बाद ज़रूर खाएंगे, क्योंकि यह वीडियो आपको प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू आने का तो याद दिलाता होगा, लेकिन प्याज को कच्चा हो या पका हो दोनों खाने में बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आइए जानते हैं कि कच्चा प्याज खाने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, अगर ये आपके काम का वीडियो आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। आइए देखते हैं कि ये क्या मदद करता है। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। क्योंकि कच्चा प्याज फाइबर रिच होता है, इसलिए आपके पेट के अंदर चिपका हुआ खाना भी पूरी तरीके से पचने में मददगार होता है। कच्चे प्याज के खाने से आपके पेट की सफाई होती है और कब्ज भी दूर होती है। अगर आप सुबह सुबह एक बार में फ्रेश नहीं हो पाते हैं तो रात को खाते वक्त कच्चे प्याज का सलाद जरूर खाएं, यह कब्ज के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है। ब्लीडिंग्स की समस्या से भी छुटकारा। अगर आपको दोपहरिया में लू लग जाए, धूप हो जाए, तो आपकी नकसीर फूट जाती है, यानी आपके नाकों से खून लगने लगता है। तो गर्मियों में आप यह ध्यान रखें कि अगर आप रोज़ एक प्याज खाते हैं कच्चे से, तो ना तो आपको लू लगेगी ना आप तो नकसीर होगी। और अगर आपको लगता है कि आपके दांतों से खून निकलता है तो कच्चे प्याज को गर्म करके थोड़ी देर दांतों के बीच दबा के रखें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके गले में खराश हो, आपका गला ख़राब हो, सर्दी जुकाम खांसी से परेशान हो, तो बस इतना जान लीजिए कि आप कच्चे प्याज के रस को निकाल कर शहद में मिलाकर दो बार लें और लगातार सप्ताह भर लेते रहें। इससे आपकी खराश छू मंतर हो जाएगी और सर्दी जुकाम से भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपको पता है कि प्याज कैंसर सेल को भी रोकता है। क्योंकि प्याज में सल्फर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह कैंसर सेल्स को बढ़ने में बिल्कुल रोकता है। और अगर आप शुरू से कच्चा प्याज खाते हैं तो आपका पेट, ब्रेस्ट और कैंसर्स के सभी तरीके के खतरे से आप दूर रहेंगे, एनीमिया से भी आप बचते हैं। कच्चा प्याज आप जो काटते हैं तो आपके आंखों में आंसू आता है, उसमें यह सल्फर के कारण होता है, जो नाक के जरिए आपके शरीर में जाता है और सल्फर में एक तेल पाया जाता है जो एनीमिया से आपकी रक्षा करता है। और अगर आप एनीमिया से पीड़ित हैं तो यह प्याज वाला नुस्खा आपको ठीक करेगा। जब आप प्याज को पकाते हैं तो प्याज के पकाने की वजह से सल्फर नष्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी प्याज आपकी मदद करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा है तो आप कच्चे प्याज खाएं। कच्चे प्याज खाने से अमीनो एसिड और मिथाइल सल्फाइड की मदद से खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाते हैं। तो अगर आपने देखा, कच्चा प्याज खाकर आप कोलेस्ट्रॉल भी बचा सकते हैं, और यह दिल वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में कच्चा प्याज बहुत मददगार होता है, क्योंकि यह बंद खून की धमनियों को खोल देता है और दिल की बीमारी से आपको बचाता है। अगर आप जानते हों कि प्याज ना खाने वालों की तुलना में प्याज खाने वाले सेहत ज़्यादा तंदुरुस्तमंद और सेहतमंद पाए जाते हैं, और अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं तो प्याज खाने से आपके शरीर में इंसुलिन बनता है, जिससे यह डायबिटीज़ के लोगों की रक्षा करता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ।